राम राम सूरत लगाते हुए दशरथ जी उस पक्षी की भांति बेहाल हो रहे हैं जिसके पंख काट दिए गए हैं। वो मन ही मन कामना कर रहे हैं कि किसी प्रकार सवेरा न हो और इस वज्राघात का संदेश राम तक न पहुंचे। किंतु प्रकृति के कार्यकलाप भला किस भांति रुक सकते हैं। राजा के विलाप करते करते सवेरा हो गया और नित्य की भांति राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंकर ध्वनि होने लगी। भाटों द्वारा वीरावली और गवैयों के गायन की ध्वनि दशरथ जी के हृदय में बाण की भांति मर्मान तक पीड़ा देने लगी। राजद्वार पर मंत्रियों तथा सेवकों का समूह महाराज के अब तक न जगने से चकित विस्मित हो रहा है। महल में भयानक शांति छाई देखकर मंत्री सुमंत्र अंदर प्रवेश करने में डर रहे हैं। कुछ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। अंत में असमंजस छोड़ वे उस महल में गए जहाँ सैकेयी और महाराज थे। दशरथ जी की दशा देख वे स्तब्ध रह गए। मुखमंडल का रंग उड़ा हुआ सोच से व्याकुल राजा जी पड़े थे जैसे जल से उखड़ कर कमल धरती पर मुरझाया पड़ा हो। सुमंत्र को कुछ पूछते न बन पड़ा। तब कैकेयी ने अशुभ संदेश सुनाया कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। उन्होंने राम राम रच कर सवेरा कर दिया किंतु इसका भेद नहीं बताते। तुम राम को जल्दी बुला लाओ तब समाचार पूछना। किसी कुचक्र की आशंका से ग्रस्त सुमंत्र श्री राम के महल की ओर चले। द्वार
श्री रामचरितमानस।